Hello students, today I am going to start chapter 6, Forest and Wildlife. In India, approximately one-fifth of the land is covered by forests. A forest is a large area of land covered with trees, bushes, scrubs, and grasses. Forests are useful to us in many ways. They are an important gift of nature. Approximately means about roughly. इंडिया जो है का जो लैंड है वो वन फिफ्थ फॉरेस्ट से कवर्ड है. फॉरेस्ट वह एरिया है लैंड का जिसमें बहुत सारी ट्रीज, बुशेस, स्क्रब्स और ग्रासेस हो. फॉरेस्ट लैंड का वह लार्ज एरिया है जहाँ बहुत सारी ट्रीज, बुशेस, स्क्रब्स एंड ग्रासेस हो. फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है. ये एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है नेचर का. इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट्स सच एज मेडिसिनल हर्ब्स, फ्रूट्स, टिम्बर्स, हनी, गम एंड रबर. फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे मेडिसिनल हर्ब्स, फ्रूट्स, टिम्बर. टिम्बर मीन्स वुड दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग. हनी, शहद, गम, गोंद एंड रबर भी मिलता है हमसे. सॉइल एरोजन इज प्रिवेंटेड बाय फॉरेस्ट्स बिकॉज द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बींग वॉश्ड अवे. चिल्ड्रन, सॉइल एरोजन मीन्स द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल एरोजन. मिट्टी के ऊपर की ऊपरी परत का झड़ना सॉइल एरोजन कहलाता है. फॉरेस्ट जो है सॉइल एरोजन होने से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, क्योंकि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स की, ट्रीज की, वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं. ठीक है, सो सॉइल एरोजन इज प्रिवेंटेड बाय फॉरेस्ट्स बिकॉज द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. फॉरेस्ट्स ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल बाय सप्लाइंग ह्यूमस. फॉरेस्ट्स ह्यूमस को सप्लाई करके सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं. फॉरेस्ट्स प्रोवाइड शेल्टर टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स. फॉरेस्ट्स प्रोवाइड शेल्टर टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स. फॉरेस्ट जो हैं वैरायटी ऑफ एनिमल्स को शेल्टर देते हैं क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स का होम ही फॉरेस्ट होता है. दे कीप द एनवायरनमेंट कूल एंड फ्रेश. दे हैव टू कीप द एनवायरनमेंट कूल एंड फ्रेश. ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर अवर एग्जिस्टेंस. ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस.
ट्रीज से ऑक्सीजन मिलता है जो हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है, कंपलसरी है। ओके, फॉरेस्ट्स ऑल्सो हैव इन प्रिसिपिटेशन, फॉरेस्ट्स ऑल्सो हैव इन प्रिसिपिटेशन। फॉरेस्ट जो है वर्षा को आकर्षित करते हैं, अत्यधिक वन होने के कारण ही जो हमारे वेस्टर्न एरिया है इंडिया का, वहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। और अगर हम हमारे ईस्टर्न पोर्शन की बात करें तो वहाँ वर्षा कम होती है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, कम हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, इंडिया हैज डाइवर्स रेंज ऑफ फॉरेस्ट्स, इंडिया हैज अ डाइवर्स रेंज ऑफ फॉरेस्ट्स, दीज हैव बीन डिस्कस्ड बिलो। एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसे हिंदी में सदाबहार बहार वन भी कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है पूरे साल भर ग्रीन रहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर वेरी डेंस एंड आर फाउंड इन एरियाज रिसीविंग हेवी रेनफॉल, फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये फॉरेस्ट जो हैं बहुत ही घने होते, डेंस होते हैं, और यहाँ हेवी रेनफॉल होता है। ये फॉरेस्ट जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ हेवी रेनफॉल होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिमालय एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं। ट्रीज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर टॉल एंड हैव ब्रॉड लीव्स, दे फॉर्म अ कैनोपी एट द टॉप। एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो टॉल होते हैं और इनकी लीव्स जो हैं ब्रॉड होती हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होती हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं और वो ट्रीज जो हैं बहुत टॉल होते हैं। ये शेड जैसा बना लेते हैं कैनोपी, दे फॉर्म अ कैनोपी एट द टॉप। सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर एबनी, महागुनी एंड रोजवुड। यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट में एबनी, महागुनी और रोजवुड के ट्रीज होते हैं, इत्यादि ट्रीज होते हैं। द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज वेरी हार्ड एंड यूजफुल फॉर फर्नीचर मेकिंग, द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज वेरी हार्ड। यह जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनके के वुड जो है काफ़ी हार्ड होते हैं, जिसका यूज फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। DECIDUOUS, डेसीड्यूस फॉरेस्ट। डेसीड्यूस फॉरेस्ट
are found on the foothill hills of the Himalayan mountains. In the western parts of the Deccan Plateau and also in Andhra Pradesh, Jharkhand and Orissa. These forests are also called monsoon forests. The trees found in these forests shed their leaves every year in the dry season. The trees found in these forests are sal, teak, mahua, shimal, bamboo and shisham. The hardwood of these forests are considered the most expensive. Children, deciduous forest जो है, जिसे हिंदी में पतझड़ वन भी कहा जाता है, ये जो है हिमालय के माउंटेन्स के फुटहिल मीन्स नीचे में पाए जाते हैं, और कुछ डेसिडियस फॉरेस्ट डेक्कन प्लेट्यू कुछ वेस्टर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यूज में और डेक्कन प्लेट्यूज के आंध्र प्रदेश झारखंड एंड उड़ीसा में पाए जाते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। इन ये जो फॉरेस्ट हैं ये अपने लीव्स को एवरी ईयर शेड कर लेते हैं, मीन्स अपने से अलग कर लेते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मानसून में फिर से ये ग्रीन हो जाते हैं। साल, टिक, महुआ, शेमुल, बैम्बू एंड शीशम जो है कुछ ट्रीज हैं जो डेसिडियस फॉरेस्ट में होते हैं। इनकी जो लकड़ी है काफ़ी हार्ड वुड, इनकी जो वुड है वो काफ़ी हार्ड होते हैं, इसलिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव कीमती होते हैं। चिल्ड्रन, इस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो बहुत के वुड जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, और हार्ड होने की वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव या कीमती होते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन, थॉर्न फॉरेस्ट्स। प्लांट्स इन थॉर्न फॉरेस्ट्स हैव लॉन्ग रूट्स, शार्प थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स। इस तरह के फॉरेस्ट में जो प्लांट होते हैं उनके रूट लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, उनके थॉर्न जो है शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, और उनकी लीव्स जो है वो स्मॉल होती है, छोटी लीव्स होती हैं। एक्चुअली ऐसी जगहों पे ये ऐसे जगहों पर होते हैं जहाँ पानी कम होता है। अब कम पानी होने के कारण उनकी जो रूट है पानी की तलाश में ज़मीन के ज़्यादा नीचे गहरे तक जाती हैं, और थॉर्न होते हैं ताकि उन्हें एनिमल्स जो है वो खा ना सकें, और इनके जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं ताकि जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करें तो उसके लिए उन्हें कम पानी लगे। इन दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स एंड श्रब्स कैन लीव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह के फॉरेस्ट में प्लांट्स और श्रब्स जो होते हैं विदाउट वाटर लॉन्ग टाइम तक जीवित रह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन फाउंड इन दिस फॉरेस्ट्स आर बबूल, खीकर एंड डेट पॉम। इन थॉर्न फॉरेस्ट के कुछ प्लांट्स बबूल, खिखर एंड डेट पम है।
These types of forests are found in Rajasthan and in dry areas of Madhya Pradesh, western Uttar Pradesh, Maharashtra, and parts of Gujarat and Andhra Pradesh. इंडिया में थॉर्न फॉरेस्ट जो है राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश के कुछ सूखे इलाके, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कुछ पार्ट गुजरात और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयास एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स। माउंटेन फॉरेस्ट जो है हिमालय के स्लोप्स और नीलगिरी के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट्स आर टॉल एंड हैव नीडल शेप्ड लीव्स। यहाँ की जो ट्रीज होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल शेप्ड लीव्स होते हैं, मीन्स नुकीले शेप के होते हैं। द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट्स आर देवदार, पाइन, फर एंड स्पूर्स। यहाँ की जो मेन ट्रीज हैं देवदार, पाइन, फर एंड स्पूर्स है। द वुड बींग सॉफ्ट इज यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड मेकिंग लाइट प्लाईवुड्स। इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं उनके वुड का यूज प्लाईवुड इन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टाइडल फॉरेस्ट्स। दिस फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ द गंगा, महानदी एंड गोदावरी। टाइडल फॉरेस्ट जो हैं गंगा के डेल्टाज में, महानदी के डेल्टाज में और गोदावरी के डेल्टाज में पाए जाते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स आर डेंस एंड द वुड ऑफ द ट्रीज इज हार्ड। इस तरह के फॉरेस्ट डेंस होते हैं, डेंस मीन्स घने होते हैं और यहाँ की जो ट्रीज होती हैं उनकी जो लकड़ियाँ हैं वुड है वो हार्ड होते हैं। सुंदरी, गैरन एंड केंट आर फाउंड इन द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा। इन चेल्डाई फॉरेस्ट में सुंदरी, गेरन एंड केंट ट्रीज पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज नोन एज द सुंदरवंस। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में जो फॉरेस्ट है उन्हें सुंदरवन कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मीन्स रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर्स टू मेक वे फॉर रोड्स, कैनल्स एंड सिटीज। दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। लोग जो हैं ट्रीज को काट रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? टू मेक वे फॉर रोड्स, कैनल्स एंड सिटीज। रोड
कैनल मीन्स नहर और सिटी डेवलप करने के लिए जंगलों की में जो पेड़ हैं उनकी कटाई की जा रही, जिसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट की को खत्म करना। डिफॉरेस्टेशन हैज लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स। डिफॉरेस्टेशन हैज लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स। फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करने से मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, सच एज द सॉइल हैज बिकम बैरन एंड ड्राई। द सॉइल हैज बिकम बैरन एंड ड्राई। जो मिट्टी है वो उसकी उपजाऊपन जो है फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और वो बैरन हो जाती है। इट हैज लेड टू द डिस्प्लेसमेंट और एक्सटिंक्शन ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। डिस्प्लेसमेंट मीन्स वो जिस प्लेस से हैं वहाँ से हटना। सो अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो वहाँ जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो कहाँ जाएंगे, उन्हें प्रॉब्लम होगी और धीरे धीरे उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त हो जाएगी, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट से बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का होम है। नेक्स्ट, इट लीड्स टू लेस रेनफॉल एंड ऑल्सो लेस ऑक्सीजन इन द एयर। इट लीड्स टू लेस रेनफॉल एंड ऑल्सो लेस ऑक्सीजन इन द एयर। डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो धीरे धीरे क्या होगा, रेनफॉल कम होगा और ऑक्सीजन भी खत्म होते जाएगा, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉरेस्ट जो है वो प्रिसिपिटेशन में हेल्प करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जिसके जो जंगलों के कटने से या डिफॉरेस्टेशन से होंगे। टू मेंटेन अ हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स सच एज द वन महोत्सव विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज। गवर्नमेंट जो है डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाती है, उनमें से एक है वन महोत्सव। ठीक है, वन महोत्सव में क्या किया जाता है, बहुत सारी ट्रीज को प्लांट किया जाता है। यू नो दैट चिल्ड्रन, इन 1974 द विलेजर्स इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड थॉट ऑफ अ यूनिक वे प्रिवेंट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। दे हग्ड द ट्रीज सो दैट नो वन कुड चॉप देम डाउन। दिस वॉज कॉल्ड द चिपको मूमेंट। इट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड के एक गांव में 1974 में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लोग उनको हक करके रखते थे। जब भी कोई उन्हें काटने जाता तो वो उस पेड़ को पकड़ लेते थे, हक कर लेते थे, ताकि वो पेड़ सुरक्षित रह सके। इस मोमेंट को चिपको मोमेंट के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस पार्ट ऑफ द लेसन आई विल कंटिन्यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।